एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, जो भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीकॉम ऑनर्स वाले, दोस्तों आप लोगों के असाइनमेंट का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। सेकेंड सेमेस्टर के जो असाइनमेंट आपने अभी अभी दिए थे, उसमें से बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, अभी सिर्फ एक ही कोर्स का रिजल्ट आया है, सभी कोर्सेज का नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, एक महीने के अंदर आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट का रिजल्ट आ गया, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो दोस्तों, राइट नाउ आप लोगों को जो पेज सामने नजर आ रहा है, इस पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोगों को इस पेज के ऊपर जाना है, एंड अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी सारी डिटेल वगैरह डालनी है, एंड उसके बाद आपको आपका रिजल्ट नजर आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन मई जून 2021। तो दोस्तों, आप लोगों को इस लाइन को ज़रूर अच्छे से देख लेना है, आपको इस लिंक के ऊपर जाना है। दोस्तों, ये लिंक आपको SOL की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ये लिंक आपको किस तरीके से ढूंढनी है ये भी मैं बता दूंगी, वरना तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग कर लीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे ही इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आएंगे, आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का नेम जो कि SOL है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मई जून ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। उसके बाद आपको आपका एग्जाम रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर है। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एंड उसके बाद आपको एक कैप्चर कोड नज़र आएगा, उसको आपको टाइप करना है, एंड उसके बाद आपको प्रिंट स्कोर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे ही आप लोग प्रिंट स्कोर कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एंड SOL ने इतनी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन दोस्तों अब आगे उम्मीद की जा रही है कि जो अदर कोर्सेज है सेकेंड सेमेस्टर के, एंड जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनके असाइनमेंट का रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। एंड जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अटका हुआ है BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का, उससे रिलेटेड भी जैसे ही कोई अपडेट आती है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।